दोस्तों, आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर की प्रॉब्लम है। हर कोई व्यक्ति आज की डेट में हाइपर एसिडिटी का शिकार है, जिसे हम अम्लपित्त भी बोलते हैं आयुर्वेद में, और उसको कई बार हम कहते हैं कि तेजाब ज़्यादा बन रहा है। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो आपको इस बात के लिए पहले प्रोत्साहित करती है कि हम तकलीफ़ का कारण ढूंढें कि क्या वो अम्लपित्त हमारे ज़्यादा खाने की वजह से है, या वो एसिडिटी हमारे तेजाबी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से है, या वो एसिडिटी हमारे डाइट स्टाइल की वजह से है, या वो एसिडिटी हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से है। और तो और कई बार स्ट्रेस जो है वो भी हमारी एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने किसी भी डिज़ीज़ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्रेफर करनी है तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि हम सिंपल ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही एंटासिड जो है वो सबको दे दें। और सबसे ज़रूरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ाब की चीज़ें नहीं भी खाई होती, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं भी खाए होते, कई लोगों को मीठा खाने से भी एसिडिटी हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो सारा का सारा इसका जो भार पड़ता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के, फिजिशियन के कंधे पर पड़ता है कि वो ढूंढने की कोशिश करे कि उस हाइपर एसिडिटी का रीज़न क्या है, कॉज क्या है। और अगर हम उस कॉज की ट्रीटमेंट करनी शुरू हो जाएंगे तो हम अपने चिकित्सा में, अपनी ट्रीटमेंट में पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर हमारा कॉज जो है वो स्ट्रेस की वजह से है तो हम उन मेडिसिंस को भी ऐड करें जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को धीरे धीरे सप्रेस करते हों, उसको पूरे तरीके से शोधन करके ठीक करते हों। अगर हमारे डाइट स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है तो हम पहले उस डाइट स्टाइल को सुधारें, उसके अकॉर्डिंगली उन मेडिसिंस को दें। अगर हमारे लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है तो हम उन चीज़ों को ऐड करें जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकती हों। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो कि कुछ भी फालतू नहीं खाते, लेकिन देर रात तक सोना ही उनके लिए एसिडिटी बढ़ाने का कारण होता है। तो हम आइए उन कारणों को जानते हुए आयुर्वेद की मदद से अपने आप को जड़ से ठीक करें। अगर हमारे अंदर ये दो या चार हर्ब्स ऐसी हैं जो कि हमें दिन प्रतिदिन सेवन करनी ही चाहिए, तो वो हमारे लिए एक सोने पे सुहागे का काम हो जाता है। जैसे कि आंवला, कुछ लोग कहते हैं कि आंवला जी कैंडी हमारे बच्चे हैं वो घर में पड़ी है खा लेते हैं। आंवला कैंडी का कोई भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अगर हमने आंवले का बेनिफिट लेना है तो आंवले का पाउडर लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। और कोशिश करें, अगर आप बाज़ार में जा रहे हैं तो जो सूखे हुए फ्रेश आंवले हों उनका पाउडर लीजिए। नंबर दो, इसके लिए मुलट्ठी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मुलट्ठी को आप, जो सूखी मुलट्ठी होती है और उसको अगर आप पिसवाते हैं, उसका चूर्ण लेते हैं, और अगर हम मुलट्ठी और आंवले के चूर्ण को बराबर मात्रा में ले लेते हैं तो भी ये हमारे अम्लपित्त की होम रेमेडी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट करता है। तो आइए, आज हम अगर आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो ये जो जहाँ तक होम रेमेडीज़ की बात आती है, जो मैं ये दो चीज़ें बताई हैं, ये हर उन लोगों के लाभकारी हैं जो अभी इनकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ी और घर के शुरुआती दौर में इसकी वो मदद ले सकते हैं। आधा चम्मच मुलट्ठी का, आधा चम्मच आंवले का, इसको एक चम्मच मिलाकर एक चम्मच हो गया, सुबह और शाम लीजिए, आपके पास अम्लपित्त का नामोनिशान भी नहीं रहेगा। और उसके साथ, जैसे कि मैंने जितने भी कारण अभी आपको बताए हैं, उन कारण के ऊपर फोकस करें, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, हमारी आयुर्वेद योगाश्रम की टीम के साथ जुड़ें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, और जब वो डिटेल हिस्ट्री सामने होगी तो हमारे पास उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तभी तो कहते हैं जब आयुर्वेद का साथ है तो हमारी हर प्रॉब्लम जो है वो समूल यानी कि जड़ से नष्ट होगी। आप हमारे आयुर्वेद योगाश्रम के YouTube चैनल पर जाइए, हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इन पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से उनकी मदद लेकर इस प्रॉब्लम को या आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए जड़ से ठीक करें। धन्यवाद।